अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये जो दावे तुम कर रहे हो इसका कोई सबूत है या किसी के बहकावे में आकर ये सब बोल रहे हो? सबूत नहीं है दुआ में, लेकिन गवाह है मेरे पास। किस गवाह की बात कर रहे हो तुम? और उस गवाह का नाम है फरहान। फरहान ने खुद मुझे और मन्नत को इसकी सच्चाई बताई। बातें तो मुझे बताई कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहते थे ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। अगर आसमान से फरिश्ते भी आकर ये मुझे बोलते ना तो मैं इबादत के खिलाफ एक भी बात नहीं मानती। तुम उस गुंडे मवाली उस दो कौड़ी के फरहान की बातों में आ गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम इबादत पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, एक बार को फरहान के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन उसका क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा? मैंने कई बार इबादत को मन्नत पे हमला करते हुए देखा, उसकी जान लेने की कोशिश करते हुए देखा। आप लोगों को याद है उस दिन मन्नत पे हमला हुआ था? तो हमला करने वाला कोई बाहर का नहीं था, बल्कि हुडी पहनकर वो हमला इबादत ने किया था। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है सुभान? सबूत मैं आपको बताता हूँ। मन्नत पे हमला हुआ था, उस दिन उसकी गर्दन पे नाखूनों के निशान थे और उसी दिन मुझे मन्नत के बेड से एक नाखून का टुकड़ा मिला था और जब मैंने चेक किया तो वो नाखून का टुकड़ा इबादत का था। उसके बाद इसने अपना सबसे बड़ा पैंतरा चला। इसने मन्नत की दवाई छिपाई और फिर उसे पीनट बटर खिला दिया ताकि मन्नत को दवाई ना मिले और तड़प तड़प के मर जाए और इसके रास्ते से हट जाए। पीनट बटर और ये मन्नत की एलर्जी की दवाई, ये दोनों चीजें तुम्हारे पर्स में क्या कर रही थी? बोलो। इसका गवाह सिर्फ मैं नहीं हूं, दुआ में निगार भी है। निगार ने खुद अपनी आंखों से इबादत को किचन में जाते हुए देखा था मन्नत के बाद। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो सुभान? इतना सब कुछ इस घर में होता रहा और ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाई देता रहा और किसी ने नहीं देखा। और तुम्हारे अलावा अगर इसे किसी और ने देखा तो वो है निगार। वो और उसकी दादी कभी सच बोलते ही नहीं हैं। मैं जानता था दुआ मी आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आंखों पे इबादत ने पट्टी बांधी हुई है, मुझे पता था। इसलिए अब मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं शायद नहीं बताना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। इबादत ने सिर्फ मन्नत की जान लेने की कोशिश नहीं की, उसने फरहान के साथ मिलकर मन्नत का एक गंदा वीडियो बनवाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कुछ सही चल रहा है, बस ये इबादत वो वीडियो की असली सच्चाई सबके सामने न ला दे वरना पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इबू, तू चुप क्यों खड़ी है? सुभान तेरे बारे में इतना कुछ बोल रहा है, तू जवाब क्यों नहीं देती है? अगर इल्जाम सुभान के लगाए हुए होते तो मैं जरूर जवाब देती नानी अम्मी, पर इस वक्त सुभान किसी और की जुबान बोल रहा है। बोलो क्या खेल खेला है तुमने? साफ साफ बताओ कि सुभान के दिल में तुमने ही जहर डाला है ना मेरे खिलाफ? क्यों मन्नत बोलो,
बोलो। मेरे शोहर को मेरे खिलाफ तुमने किया ना, बोलो। क्या बोलूं इबादत, मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा है तुमने, बहुत डरा लिया तुमने मुझे। लेकिन अब बस, आज तक मैं सोचती थी कि तुम जो कुछ भी करोगी मेरी भलाई के लिए करोगी, ये मेरी गलत फहमी थी। आज मुझे समझ में आया कि तुम मेरी बहन नहीं, तुम तो मेरी दुश्मन हो। फरहान ने सुभान के साथ साथ मेरी भी आंखें खोली, तुम्हारा असली चेहरा मैं अब देख चुकी हूँ। असली चेहरा, मेरा असली चेहरा? कई सारे चेहरे लेकर तो तुम घूमती हो मन्नत, मेरा तो एक ही चेहरा है और एक ही दिल है जो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारा ख्याल करता है। पर तुम तो एहसान फरामोश हो, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए मन्नत? मैं सुभान को चाहती थी, सच्चे दिल से चाहती थी, पर मेरी हर सजदे में यही दुआ रही कि सुभान और तुम एक हो जाओ, क्योंकि इसी में तुम दोनों की खुशी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी वही बहन हो जिसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी, जिसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने बार बार अपने पाक और साफ दामन पे दाग लगा दिए, जिसकी जिंदगी संवारने के लिए, जिसकी दुनिया बसाने के लिए मैंने हर इल्जाम अपने सर पे ले लिया, उसी बहन ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। कौन सी दुनिया इबादत, जो तुमने झूठ की बुनियाद पे बनाई है, धोखे की बुनियाद पे बनाई है? अरे मैं क्या तुम्हारी दुनिया उजाड़ूंगी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। चुप कर जा बच्चा, वरना अम्मी बोलने दीजिए इसे। अब मेरे हक में किसी को कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और अब ना ही मैं किसी को कोई सफाई दूंगी। जिसके लिए जंग लड़ रही थी उसी ने दुश्मन का हाथ थाम लिया है, अब जंग का क्या फायदा? मैं तो लड़ाई लड़ने से पहले ही हार गई। सुभान को जो समझना था उसने समझ लिया, मन्नत को जो समझाना था वो समझा चुकी। अब समझने और समझाने का वक्त निकल चुका, इसलिए इस कहानी को अब एक नया मोड़ ले लेना चाहिए। मेरे और सुभान के रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। तरफ से अपने और सुभान के रिश्ते को खत्म करने का ऐलान करती हूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।